निकाला गया है। नकुल अकेले बचे हुए हैं, क्या यहाँ पर से रश आएगा? जी हाँ, रश आ रहा है। नकुल के द्वारा एक बेहतरीन स्पेल लेने की कोशिश, लेकिन जोनाथन अग्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। नकुल वर्सेस जोनाथन हमें देखने का मौका मिल सकता है। बहुत ही लो एचपी रहेगी, जोनाथन एक और एंगल पे आ चुका है। क्लोज रेंज फाइट देखने का मौका मिल रहा है। जोनाथन इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, डैमेज दिया गया है जोनाथन वर्सेस एंड इट्स हिम हु सिक्योर्स दैट फिनिश पॉइंट। आप इसीलिए जॉनसन को क्लोज रेंज में चेक करेंगे। सर्कल का इतना अच्छा स्थान था यहाँ पे टीममेट पिट के पास, बट ओमेगा आगे आते हैं, उन्हें रनिंग व्हीकल से डाउन करने के साथ ही बाहर कर दिया था शैडो की तरफ से। लेकिन सेम रोटेशन में टीम सोल के खिलाड़ी को हम देख पाए, थोड़ा सा बिखर गए क्योंकि ओमेगा को फॉलो किया जा रहा था और उस फॉलो करने के दौरान यहाँ पे दिक्कत रहेगा। सुनामी ने अपने टीममेट को मौली किया और साथ साथ वीरू को वहां पे डाउन करने में कामयाब हो जाते। क्लाउडी की तरफ से ग्रेनेड गॉब्लिन की तरफ जाता हुआ, गॉब्लिन फंस चुके हैं यहाँ पे, अब उनको फाइट लेना पड़ेगा वरना उनके लिए यहाँ पे दिक्कतें खड़ी हो सकती है। फाइट की बात करें, फाइट लिया जाएगा, नूब को डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं, गॉब्लिन भी आ चुके हैं, अक्षत भी दूसरे एंगल से गॉब्लिन का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल गॉब्लिन फिलहाल के लिए आगे बढ़ने की कोशिश चलेगी, बट देखिए अक्षत का ये प्लान बेहतरीन तरीके से नॉकआउट निकाल के जाएगा। एक और ग्रेनेड आएगा हेक्टर की तरफ से, एंटिटी ऑन द बैक फुट, सफाया किया जाता है एंटिटी गेमिंग। खिलाड़ी कितना आगे बढ़ पाएंगे, बट जॉनसन की पोजीशन और आदित्य ऑलरेडी पता लगा चुके हैं, उठना पड़ गया है, पोजीशन निकालने की कोशिश चल रही है। सोल के ऊपर स्प्रे, नॉकआउट निकाला गया आतंकी के द्वारा, हेक्टर का नॉकआउट एंड एक और एलिमिनेशन या फिर नॉकआउट की तलाश में जरूर से देखने को मिल रहा होगा। और उस सर पे शायद शॉट्स लिए जा सकते हो, आगे तरफ से उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़िया, कुछ रैंडम स्प्रे कनेक्शन नहीं ढूंढ पा रहे, लॉक करते हैं आतंकी, मानो रुकने का नाम नहीं ले रहे, हर फ्यूज मिस्टेक। बट आदित्य आगे आ रहे हैं, जॉनाथन पोजीशन निकाल चुके हैं, बट अक्षत के द्वारा ये नॉकआउट निकाला गया है, स्प्रे लिया जा रहा है ओआर जेली के ऊपर भी, लेकिन नॉकआउट लेने में असक्षम। एंड इसी के साथ साथ आई बिलीव जॉनाथन सोल का भी पोजीशन चेक करने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। देखिए पोजीशनिंग मुझे लगता है पता चल चुकी है और सोल के खिलाड़ी काफी ज्यादा ऑफ गार्ड है, ओपन में यहाँ पे दौड़ लगा चुके हैं। इस बात का अगर अंदाजा जॉनाथन को यहाँ पे लग जाता है कि वो टॉप टू पे आ चुके हैं, उनका स्प्रे वहां पे आने का पूरी यहाँ पे संभावना रहेगी। अभी की बात करें टीपी ले रहे कितना समय तक अपने आप को रोक सकते हैं, ग्रेनेड जाएगा गॉब्लिन का, जल्दी आदित्य दोनों को यहाँ पे टेक आउट करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये खिलाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिलेंगे। जली को फिलहाल वापस से एक और ग्रेनेड जाएगा, लेकिन जो अभी यहाँ पर अभी की तरफ ये ग्रेनेड जाने के चांस रहेंगे, क्या कनेक्शन ढूंढने में कामयाब होगा? बिल्कुल प्लेस होगा का हल्का सा शायद वो डैमेज और अभी गॉब्लिन को जरूर लॉक भी प्लेस होते मैच से बाहर हो गए। जोनाथन वर्सेस आर्चर 1v2 आखिरकार सोल वर्सेस गॉड लाइक, ये फाइट सब चाहते थे, जनता भी चाहती थी एंड यहां पर हमें देखने का मौका मिल रहा है। गॉब्लिन वर्सेस अक्षत वर्सेस हेक्टर नहीं है यहां पर, अक्षत हेक्टर एंड गॉब्लिन वर्सेस जॉनाथन देखने का मौका मिलेगा। 1v3 का मौका है जॉनाथन के पास। टीम सोल विद अ 13 फिनिश गेम, 14 फिनिशेस गेम, टीम सोल के लिए एक बेहतरीन चिकन डिनर, 14 फिनिश पॉइंट्स के साथ साथ व्हाट एन अमेजिंग गेम।